प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पीजी कॉलेज के वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने आए लोगों का सम्मान किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। गौरीशंकर बिसेन से बात की हमारे संवाददाता ने। वैक्सीनेशन महाभियान के तीसरे फेज में आज हम पीजी कॉलेज में हैं। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज के वैक्सीनेशन में लोगों का कैसा उत्साह है और क्या कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। मैं सिर्फ बालाघाट जिले की चर्चा करना चाहूँगा। बालाघाट जिले में 70% से ऊपर पहला डोज लग चुका है और जो हमारा सेकेंड डोज का प्रतिशत निसंदेह कम है। आज बालाघाट जिले में जो दोनों वैक्सीन के डोज हैं वो लगभग 97,000 से ऊपर हैं और जितने भी हमारे सेंटर हैं नगरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह पर इस तीसरे चरण के एक तौर से कहना चाहता हूँ कि जो महाअभियान अपने लिया है वैक्सीनेशन के महाअभियान उसमें काफ़ी उत्साह है और मुझे लगता है कि इन लगभग 1,00,000 जो हमारे वैक्सीनेशन होने के बाद हमारा प्रतिशत लगभग 80% चला जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि सितंबर महीने तक हम बालाघाट जिले में 100% कम से कम प्रथम डोज का जो टारगेट को उसको प्राप्त करें। ये थे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन। इनका कहना है कि वैक्सीनेशन अभियान का जो टारगेट है फर्स्ट डोज का वो इस महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन शंकर वांगड़े के साथ अशोक मोटवानी, बंसल न्यूज़, बालाघाट।